subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार अखिलेश के जाने के बाद तो सुरेखा के आंखों से आंसू तक नहीं निकले, ना ही सुरेखा ने अपना दुख किसी के सामने जाहिर किया। लेकिन इस बार सुरेखा भी किसी से रोज फोन पर बातचीत करती हुई नजर आई, जहाँ सुरेखा को किसी और की चिंता तक नहीं है। लेकिन इन्हीं सब के चलते अब सुरेखा जिस शख्स को कॉल करेगी वो शख्स कौन हो सकता है, इसका खुलासा तो अब तक नहीं हुआ। लेकिन जो भी है, अब कहीं ना कहीं वो सस्पेंस लेकर आएगा, ना सुरेखा के लिए मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। लेकिन इस बार सुरेखा को बातचीत करता देख लेंगी दादी। वहाँ सुरेखा उस शख्स से बात कर रही होगी कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, बस तुम जैसे जैसे बताओगे वैसे ही मैं करती रहूँगी। यहीं सब के चलते अब दादी ये सब बातें सुन तो हैरानी रह जाएंगी कि सुरेखा आखिर किससे बातचीत कर रही है, कौन हो सकता है वो शख्स। वहीं अब देखना तो दिलचस्प बनेगा, क्या सुरेखा भी सबसे छुपा रही है, क्या सुरेखा भी सबसे छुपा रही कोई बड़ा राज, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। बाकी शो से जुड़ी हर अपडेट को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24 एक्शन ऑनलाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।